तू वह मक्के क्यों चुग रही थी? वह मक्के क्यों चुगती फिर रही थी? पता है जब मेरे को ना मक्खी देखी ना, मैंने तड़पते हुए जिज कर रही थी, जिज तड़पते हुए देखी, मेरे आँख में सांसू आने वाले थे, अच्छा। मैं रोने को हो गई थी। फिर क्या करा था ना? तो मैंने क्या किया, पहले मैंने मक्खियों को अपने हाथ में भरा, अच्छा ठीक है, और फिर मैंने किचन में गई, कटोरी उठाई, अच्छा पहले मैंने नल ऑन किया, एक हाथ में तो मेरी मक्खी थी, मैंने नल ऑन किया, फिर वो डाली कटोरी उसमें पानी भरने के लिए, फिर कटोरी को साइड में किया, फिर मैंने नल बंद किया, अच्छा ठीक है, फिर मैंने ना 1 2 3 ऐसे काउंटिंग में 60 सेकंड मतलब 1 मिनट तक 1 2 3 ऐसे वाली काउंटिंग में देर में रुकने वाली ना, इतनी देर तक मैंने उसे पानी में रखा, सारी मक्खियों को छोड़ दिया, अच्छा। फिर 1 मिनट बाद ऐसे छन्नी में जैसे करते हैं ना, छन्नी में छान लेते हैं, वैसे मैंने अपने हाथ से उन्हें कर दिया, सारी मक्खियाँ मेरे हाथ में आ गई, कुछ मक्खियाँ कटोरी में चिपकी रह गई, तो ना उन मक्खियों को मैंने हाथ में निकाल लिया, हाथ में ले लिया था, फिर कटोरी में से निकाल के, और फिर मैंने सुखाने के लिए कर दिया यू करके, क्योंकि वो हमारी एक बाल से ही पिचक जाती है, मर जाती है, इसलिए उनको उनके ऊपर मैंने हाथ रख लिया कि उड़ ना जाए वो, इसलिए ऐसे करके पापा ने कहा, पापा के पास लाई और पापा ने कहा इन्हें बाहर फेंक दे, घर में फैल जाएगी, पर मैंने तो कहा था कि ये मैंने मरी हुई मक्खी जिंदा की हुई है, मरी हुई मक्खी, अच्छा इसलिए पापा कह रहे हैं मक्खी मरी हुई मक्खी को जिंदा किया कैसे कैसे, मैंने पूछा आपको नहीं पता ये मेरा टैलेंट है, तो ना ऐसे करके बाहर क्या बाहर चली जा, घर में पूरे में फैल जाएगी, इसलिए ना मैंने पोटी कर दी ना उन्होंने। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत टाइम से सोच रही थी बोलूँ लेकिन फिर सोच रही थी नहीं रहने देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग नहीं समझते हैं आपको और फिर वो आपको रूढ़ समझते हैं, सोचते हैं घमंड आ गया, तो बहुत चीज़ें मैं अपने ही दिमाग में सोच रही थी, घूम रही थी मेरे दिमाग में, फिर सोचा पता नहीं वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, तो फाइनली ज़्यादा मेरे सर पर जब बर्डन आ गया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, और ये इम्पॉर्टेंट था वीडियो बनाना, आप सबके लिए बताना और बोलना। तो बात ये है कि ऑब्वियसली जो कुछ मैं आज हूँ वो आप लोग, ये बात बिल्कुल सच है कि जो कुछ हूँ मैं आप लोगों की वजह से ही हूँ, आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट करते हो मुझे, तो ही लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, और आप लोग हो तो ही मैं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज़ को समझो कि मेरी रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों ही बहुत अलग हैं। मैं रियल लाइफ को रील लाइफ से नहीं कनेक्ट कर सकती हूँ। आप लोग मुझे प्यार करते हो, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, मैं उनको ढेर सारा प्यार देती हूँ, जितने ज़्यादा पॉसिबल होते हैं मेरे लिए उन सबको रिप्लाई भी करती हूँ, बात भी करती हूँ। हाँ, ऐसा है कि हर किसी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए, और आप मोस्टली क्रिएटर्स को यही बात सुनते हुए भी सुनेंगे कि बोलते हुए भी सुनेंगे कि हम नहीं रिप्लाई कर पाते, ज़्यादा मैसेज होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। एक दिन में एटलीस्ट 200, 300, 500 ऐसे मैसेज हो जाते हैं। आपने स्टोरी डाली 100-200 मैसेज आ गए, आपने रील डाली 100-200 मैसेज आ गए, दिन में मैं 4 रील डालती हूँ, आप सोच सकते हो कि कितने मैसेजेस हो जाते हैं। तो टफ होता है बहुत ज़्यादा, नहीं रिप्लाई किया जा सकता, जितने सामने आते हैं उन सबको ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोग अगर मुझे प्यार करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी रील्स पे कमेंट कर सकते हैं, शेयर करके मुझे अपना प्यार दिखा सकते हैं, लेकिन घर पे आना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि पहले चीज़ें मुझे कोई कुछ नहीं बोलता था और मैं आप लोगों को भी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अब पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही है, मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड भी मुझे गुस्सा करने लग गए हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग आ रहे हो, मैं मिल रही हूँ आप लोगों से, आप लोग मुझे जानते हो पर्सनली, मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ, तो जब आप लोग डायरेक्ट आते हो तो कहीं ना कहीं या तो उस टाइम मैं बिज़ी होती हूँ, या मुझे वीडियोज़ के लिए जाना होता है, या मेरा बच्चा घर में छोटा है तो मुझे उसको देखना होता है, और वो सब भी एक साइड रख दो, मैं अपना काम भी एक साइड रख देती हूँ,
कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग पहले आते हो, उस चीज़ को भी मैं एक साइड रख दूँ। तो दूसरा है सेफ्टी की बात, आप आ रहे हो ठीक है, मुझे लगेगा कि आप आ रहे हो, मैंने आपको बिठाया, लेकिन कल को कोई किस इंटेंशन से आता है हमें नहीं पता, कोई आता है उसकी इंटेंशन सही है गलत है हमें नहीं पता। तो घर में मैं रहती हूँ, मेरी बच्चियाँ हैं, कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें होती हैं जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, और मैं तो पहले भी सोचती थी फिर भी मैं इतना वो नहीं करती थी, लेकिन अब मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे ज़्यादा गुस्सा करने लग गए हैं कि ये चीज़ को तू पर्सनल लाइफ को अलग रख और ये रियल लाइफ को अलग रख, रियल लाइफ इन द सेंस जो वीडियोस वगैरह की है, सोशल लाइफ है उसको अलग रख, इन दोनों को कनेक्ट मत कर, पर्सनल लाइफ स्मूथ चलानी है तो इन सब चीज़ों के लिए एक वीडियो बना के डाल दे, क्योंकि हमें नहीं पसंद। और आप लोग अगर जेन्युइनली चाहते हो कि मुझे इन चीज़ों को फेस ना करना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली देखो फैमिली अगर जिस चीज़ के लिए मना कर रही है तो वहाँ पर मैं आगे बढ़कर स्टेप आउट नहीं ले सकती, और ये रोज़ का हो गया, ऐसा नहीं है कि एक दो बार का है, ये रोज़ का हो चुका है, आप बिलीव नहीं करोगे। कई तो ऐसे होते हैं डायरेक्ट अंदर एंटर कर देंगे, क्योंकि मैं कुंडी नहीं लगाती हूँ तो लोग डायरेक्ट अंदर खड़े हो जाते हैं घुस के, और फिर बोलेंगे हम आपके फ़ैन हैं, कोई भी आ जाएगा सीधा रूम के अंदर आ जाता है, कोई सीधा हॉल के अंदर खड़ा हो जाएगा, तो वो चीज़ें बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती कि क्योंकि आप तो मुझे जानते हो, मैं नहीं जानती हूँ, आप जब मुझे बताओगे कि आप फ़ैन हो तो मुझे समझ आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ अजीब लगती है कि अचानक से कोई आपके घर के अंदर आके खड़ा हो गया, ना बैल बजाई ना गेट बजाया, तो वो चीज़ें थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है। और इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मुझसे कभी मिलना है तो या तो आप मुझे एडवांस में इन्फॉर्म करके आओ मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, अगर मैं सीन करती हूँ बात करती हूँ तो डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे, घर के अंदर नहीं तो बाहर, और क्योंकि मुझे भी फिर परमिशन लेनी होगी घर पे कि भाई ऐसे ऐसे है और मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए अब मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक अपनापन करके समझाई है, बताई है, इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ नेगेटिव मत लेके जाना। बस मैं अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं कनेक्ट कर सकती हूँ रील के साथ, क्योंकि वीडियोस आप लोग पसंद करते हो मुझे समझ आता है, मैं जेन्युइनली उस चीज़ को बहुत, मुझे अच्छा भी लगता है जब मुझसे कोई मिलने आता है, लेकिन अगर फैमिली अब मुझे बोलने लग गई है उनको नहीं अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली मैं नहीं उन चीज़ों को कर सकती हूँ। कई बार ऐसा होता है मुझे वीडियोस बनानी होती है लेकिन कोई आ जाता है, और ये हर रोज़ का काम है एक तरीके से, हर दूसरे दिन तो आप मान के चलो कोई सुबह सुबह आ जाएगा, मैं सोती रहती हूँ, या फिर मेरा कोई शूट हो रहा होता है उस वीडियो के दौरान कोई आ जाता है, अब मैं किसी को ये नहीं बोल सकती कि आप जाओ, ठीक है, फिर कोई आता है तो एक डेढ़ घंटा आराम से निकल जाता है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई क्यों आया है, नहीं आना चाहिए था, मैं हमेशा जितने भी लोग आए सबसे मिली हूँ, बात की है, लेकिन अब चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोग मुझे जानते हो, मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ पर्सनली, तो जब कोई आता है अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी मेरी फैमिली मुझे बहुत गुस्सा करने लग गई है कि तो एक वीडियो बना के डाल दे, हम ये चीज़ अलाउ नहीं करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो, प्लीज़ समझना इस चीज़ को, और इस चीज़ को नेगेटिव मत लेके जाना, बस इतना ही आपसे कहना। और ये चीज़ प्लीज़ कोई भी वो इंसान मत रिलेट करना जो मेरे घर में आ चुके हैं, उनको ये लगे कि हमारे लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं बस आप लोगों को एक बात समझाना चाहती हूँ कि अब मैं नहीं मिल पाऊँगी क्योंकि बच्ची भी छोटी है, फैमिली भी अलाउ नहीं करती, मेरी पर्सनल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, कभी वीडियो शूट करना, कभी बच्चे को संभालना, घर देखना, कोई कभी भी किसी टाइम आ जाता है, उस टाइम पर मैं क्या कर रही होती हूँ, मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। और सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी हमने कैमरे भी लगवा दिए थे, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड मुझे बहुत वो करने लग गए हैं कि तू इन चीज़ों को अलग रख, तो इसीलिए बस यही एक रीज़न है। और जब भी कोई मिलने आता था तो मैं अपने हस्बैंड को कॉल करके बोलती थी आप आ जाओ घर पे कोई यार, क्योंकि मैं खुद ही सेफ फील नहीं करती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो कोई अचानक से अननोन आपके घर में आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। अब किसी की इंटेंशन क्या, वो मुझे बोल दे मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं तो ठीक है कि आ जाओ आप, उसकी इंटेंशन नहीं पता, तो बस यही एक मेन है। आई होप मैं इस चीज़ को बताने में सक्षम रही हूँ और आप लोग समझेंगे भी इसको,
और कोई भी हेट नहीं है मेरी तरफ से, और प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को समझना, जो लोग मेरे पास आ चुके हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो नहीं है, ये फ्यूचर के लिए वीडियो है, मेरी सेफ्टी के लिए वीडियो है, मेरी फैमिली की वजह से वीडियो मैं बना रही हूँ और खुद की वजह से भी बना रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी कलेश या कुछ भी फैमिली में हो, और फैमिली का मेन रहता है कि दो दो बच्चियाँ हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग रख। तो अब करते हैं व्लॉग कंटिन्यू, आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। देखो कैसे किया ये है, कैसे कर रही है इसको, गंदी बात है ना, क्या कर रही थी अभी करके बताओ फिर से, जो कर रही थी वो करके दिखाओ अभी से, ये नहीं, हाँ ये देखो क्या करती रहती है, क्यों कर रही बेटा ऐसा है, नहीं गंदी बात। और ये फोन मैं लेके आई हूँ अपने लिए, इसको करवाएंगे परी से ओपन, वो फोन कहाँ गया, फोन परी से फोन ओपन करवा रहे थे, पर फोन पहले से ही ओपन हो रखा, मुझे पता है। तो ये फोन लिया है भाई, और ये अंदर इसकी सिम है, सिम भी होती है ना साथ में आती है, ये अगर आपको फोन कवर अच्छा नहीं लगता ना इसे काटते हैं ना, इसे काटते तो हेलो क्या बात करनी है, हाँ हेलो गाइस हमने नया फोन लिया है, हेलो गाइस हमने नया फोन लिया है।